हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आप सबको पता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है, उसके बाद भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि फेक एडवर्टीजमेंट है। तो पहले तो आपको दिखा देता हूँ फेक है कि ओरिजिनल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, करियर्स में क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो ये आपका एक अलग URL ओपन होगा, aai.aero/en/careers/recruitment। यहाँ पर सबसे ऊपर पहला पोस्ट आ रहा है जो कि रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के नीचे लिखा हुआ है, अपडेटेड ऑन 14 अगस्त 2018। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये दो लिंक आपके ओपन होंगे। अब यहाँ पर रिलीज डेट है 14 अगस्त 2018, इसके सामने लिंक दिया है डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे ये आपका नोटिस जो भी आया है डाउनलोड हो जाएगा। अब कुछ आपकी क्वेरीज हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। क्वेरी ये आ रही है कि ATC का यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या ATC कैंसिल हो गया है? ATC की एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी? पहली चीज़ तो ये पढ़िए ध्यान से, यहाँ लिखा क्या है, द रिवाइज्ड वैकेंसी ऑब्लिक रिजर्वेशन पोजीशंस एंड डिटेल्स ऑफ पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWDs आर एज अंडर। मतलब कि जिस पोस्ट में चेंजेस हुए हैं सिर्फ वही यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ATC की पोस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ATC के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसमें चेंज हुआ है सिर्फ वही यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ATC का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो ही नहीं सकता है। और देखिए, ATC का आप पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस है होगी। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 15 सितंबर हो गई है तो आपका एग्ज़ाम उससे पहले कैसे हो सकता है? तो सीधी सी बात है, ATC की डेट या जो भी एग्ज़ाम है, सब जो भी जितनी भी पोस्ट हैं सबकी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी। और ये एक फेक एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं कोई भी चीज़ फेक यहाँ पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं करता हूँ। आपको फॉलो करना है तो करिए, अनसब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।